वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज ऑसम सिविलिंग प्लान्स व्यूअर्स। आज मैं आपको 30x40 फीट में बना हुआ घर का कॉलम का पिट एक्सकेवेट कितना करना चाहिए और कॉलम का जो सेंटर लाइन वर्क करता है किस तरह से हो रहा है वो देखिएगा आप वीडियो को शुरू से अंत तक। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट द चैनल टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एंड टुडे डेट इज 24 नवंबर, 12:20 हो चुका है। देखिएगा एंड बहुत ही अच्छा वर्क यहाँ पे जो मिस्त्री है उन्होंने जो है उदगीर से बिलोंग करते हैं। एंड कुछ वर्क है तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते मुझे। एंड किसी को अगर प्लान चाहिए 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस तो मेरा मोबाइल नंबर 8095615113। लेट अस सी। आपको इसका जो प्लान चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा। एंड इससे पहले जो मार्कआउट हो चुका है ना उसका वीडियो आप देखना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल जो है ना दोस्तों ये इसके हिसाब से लगाया गया सेम एज इट इज़। एंड यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फीट प्लस एक्सटेंशन यहाँ पर इनका बाउंड्री वॉल 3 फीट 10.5 इंच के छोड़े गया। फिर उसके बाद ये पीछे की तरफ भी 2 फीट का ऑफसेट यानी कि 2 फीट और उसके अलावा जो है और 1.75 इंच का जो छोड़े गया। ये सेंटर लाइन प्लान के सब फिलहाल आप देख रहे हैं ना वो सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से पहले मैं आपको प्लान दिखाऊंगा नॉर्थ फेसिंग इसका मेन प्लान। ये नॉर्थ फेसिंग का ठीक है दोस्तों, ये 30 फीट 40 फीट ऐसा, बट जब जगह में आने के बाद थोड़ा सा कम पड़ रहा था 1 इंच का उधर उधर, तो दोनों प्लॉट को जो एडजस्ट करके बनाया गया। एंड यहाँ से इसका एंट्रेंस हॉल 12 फीट बाय 15 फीट 3 इंच, पूजा रूम किचन 12 बाय 8 फीट, यहाँ पे एक बेडरूम, इधर एक बेडरूम कॉमन टू है। सिंपल प्लान, ब्यूटीफुल प्लान। एंड यहाँ पे 1 BHK पोर्शन विद कॉमन टॉयलेट एंड बाथ किचन हॉल। एंड यहाँ पर जो है हॉल किचन बेडरूम नंबर 1 विद कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इस तरह का कॉलम पोजिशन है। किसी को प्लान चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 8095615113। ये सेंटर लाइन सेम इसके हिसाब से ये जो है थ्योरेटिकल जो भी प्लान है आपका ड्राइंग को जो है रियल में रखा गया, अब देख लीजिएगा। व्यूअर्स देखिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं वहाँ से। यहाँ से रोड है बोले तो आप क्या करना, पीछे से कभी भी शुरू करना मार्किंग, बिकॉज 1 इंच का फर्क आ रहा है। फिर रोड के अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं, अगर पीछे किसी और का प्लॉट है वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकते ठीक है। कौन सा भी काम करने से पहले अगर नॉर्थ की तरफ है रोड तो साउथ से शुरू कर लीजिएगा काम, एंड ईस्ट की तरफ रोड है बोले तो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो वेस्ट से काम शुरू कर लीजिएगा। अब हम आपको दिखाएंगे ये जो पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है सेम एज इट इज़, जो 3 कॉलम आप देख रहे हैं ना तो 3 फिट सामने का 1, 2, 3 फिट्स, वहाँ से लेके यहाँ तक 12 फिट 6 इंच, फिर उसके बाद जो है 11 फिट 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक 11 फिट 3 इंच, फिर आ जाएगा आपका ऑफसेट एरिया सेम उसी तरह एज यूजल। अब बात करते हैं इन 3 कॉलम्स का 1, 2, 3, थोड़ा सा अलग तरीके से रखा गया बिकॉज रूम के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो ये वाला पिट्स 1, 2, 3 वहाँ से सेम लाइन पे यहाँ पे थोड़ा आगे जाएगा, ये लाइन पे जो है ये आ गया, ये कॉलम कितना दूरी पे है 12 फिट 6 इंच और 11 फिट 3 इंच। सेम उसी तरह से एज यूजल 1, 2, 3 ये जो कॉलम्स है ना ये सीढ़ी के लिए आ रहा है स्टेयर केस, कितना दूरी पे यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जो है 6 फुट 9 इंच के बीच में आ रहा है। एंड 3 इंच जो है आपको चढ़ाई करते वक्त आपको दिख जाएगा ठीक है दोस्तों, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद सेम वहाँ पे पार्किंग एरिया आ रहा है, पार्किंग और एक कॉलम आने वाला वेल ठीक है, वो वेल। एंड इस तरह का एक सेंटर लाइन प्लान के साथ मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। और अब बात करते हैं इसका फुटिंग का एक्सकेवेशन के बारे में। जब बात करेंगे तो फुटिंग देख लीजिएगा एकदम प्योर रेगड़ी सॉइल बोलते हैं हम इसे, या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, हल्का सा लाल देख रहे हैं, बाकी का जो है पूरा काला मिट्टी है। सेम ऐसे इधर भी काला मिट्टी सेम एज यूजल, उसकी वजह से डीप जब आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। एक्सकेवेट तो मैक्सिमम करना ही चाहिए, अगर 10 फिट से ऊपर है 10, 12 फिट या 13 फिट तो बैक फिलिंग करना ज़रूरी है विद द हेल्प ऑफ बोल्डर्स ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अभी वर्क शुरू होने वाला है, उससे पहले आप खुद देख सकते अप्रोक्सीमेट 10 फिट तक अंदर गया, 9 to 10 फिट इन बिटवीन 4x4 का एक्सकेवेशन किया गया। अब इससे नीचे तो अच्छा सा हार्ड लगा है तो उसकी वजह से यहाँ पर स्टॉप किया गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट सभी पिट्स का अलग अलग तरीके से बनाया गया। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेपरेट टैंक और कुआ कब करना चाहिए, क्या हम पिट्स के साथ करना ज़रूरी है या फिर उसके बाद। सेपरेट टैंक कॉलम
एंड कुआ का जो आरसीसी वर्क रहता है रिंग एक साथ करना सबसे उचित रहेगा। एंड यहाँ पर उससे भी ज़्यादा डीप गया ये ब्लैक कॉटन सोल, यहाँ से आप देखिए पूरा अंदर तक। इधर भी सेम, इधर भी सेम एज यूजुअल। ओके इधर और से भी और ज़्यादा अंदर गया, ठीक है। एंड कभी भी पीसीसी बेड डालते वक्त जो है अच्छा सा पानी आप पिलाना चाहिए ज़मीन के नीचे, नहीं तो अंदर का कंक्रीट का अंदर का जो पानी रहता है वो खुद ही पी लेगा ज़मीन, तो उससे आपका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो इस तरह से कुछ वर्क चल रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट द चैनल टू रीच 110 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप काम करते हैं ना दोस्तों, तो मार्कआउट जो चुन्ना का मार्कआउट रहता है ना, उस दिन जो है कहाँ कहाँ पे पॉइंट आए हैं, सेंटर लाइन का जो अभी वर्क आ चुका है ना, उस वक्त मार्किंग ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं तो आपको एक वीक के अंदर आप सब भूल जाएंगे जो काम किए थे आप, ठीक है। थोड़ा याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एंड अभी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से वर्क हुआ है। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।